हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अगेन मैं आप लोग के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो होने वाली है सैलरी के ऊपर फॉर एक्सेंचर एम्प्लॉयज। एंड बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर बी एंड बी टेक ग्रेजुएट व्हेन दे विल बी जॉइनिंग एक्सेंचर एज अ फ्रेशर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो एक्सेंचर पर बनाई थी जो कि थी हायरिंग वीडियो। सो आई थॉट कि अब मुझे एक सैलरी वीडियो भी देनी चाहिए ताकि आप लोग जो भी एक्सेंचर के एग्जाम्स देंगे उनको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि उनकी सैलरी क्या होने वाली है एज अ फ्रेशर। सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो। And if you still haven't applied for the drive, then do apply for it. I will mention the link in the description box. And also before going to the salary part, I would like to tell you some scenario about Accenture. So guys, this video, as I told you, is basically for BE and BTech graduates. So जैसे ही आप कंपनी में join होते हैं, like for example, your joining date is March and April. So मार्च अप्रैल से दो या तीन महीने पहले ही आपको मेल्स आने शुरू हो जाएंगे। दे विल सेंड यू सम लर्निंग पीपीटीज, दे विल सेंड यू नो कुछ पीपीटी डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें वो आपको भेजेंगे जिससे आपको एक प्रिपरेशन किट टाइप की मान लीजिए वो भेजेंगे जिसमें से आपको उसको पढ़ना है एंड सब चीज़ देखना है क्या क्या है, आपको लर्निंग अपनी इम्प्रूव करनी है। आफ्टर योर ज्वाइनिंग, विद इन योर टू वीक्स ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे आपने मान लीजिए मार्च में ज्वाइन करा, आपकी विद इन वन और टू वीक में यू विल दे विल बी कंडक्टिंग अ टेस्ट फॉर यू, ओके, एंड यू विल बी गेटिंग थ्री चांसेस फॉर दैट टेस्ट। अगर मान लीजिए आप पहले चांस से फेल हो गए तो कोई नहीं, दूसरा है, दूसरे में हो गए तो तीसरा है, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। सो मान लीजिए जैसे आपने वो टेस्ट दिया, वन गो में अगर आपका क्रैक हो जाता है तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मिलेंगे 10,000, यस आपने सही सुना, 10K एज अ क्रैकिंग एग्जाम क्रैकिंग बोनस, यू कैन यू नो कंसिडर इट इन दैट वे। देन जब आप ज्वाइन हो जाएंगे डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप एक्सेंचर के परमानेंट एंड फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, जैसे ही आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाएंगे आपको मिलेगा एक ज्वाइनिंग बोनस, येस देयर वुड बी अ 22-25K ऑफ ज्वाइनिंग बोनस फ्रॉम एक्सेंचर टू यू। सो टोटल क्या हो गया, 35K, 10K ऑफ द एग्जाम प्लस 25K ऑफ द ज्वाइनिंग बोनस, तो 35K इंक्लूडिंग योर मंथली सैलरी यू विल बी गेटिंग दिस, ओके। सो वही मंथली सैलरी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सो जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा प्रोसीजर होता है एक्सेंचर में एज अ फ्रेशर के लिए। सो यू विल बी गेटिंग 35,000 प्लस योर यू नो योर बेसिक सैलरी और योर इन हैंड सैलरी कंबाइंड, एंड दिस 10,000 विल बी वन टाइम बिकॉज जब आप न्यू ज्वाइन होते हैं आप क्रैक करेंगे वो एग्जाम आपको मिलेगा, एंड ज्वाइनिंग बोनस अगेन 25,000 वन टाइम यू विल बी गेटिंग दैट। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार मिलता रहेगा एग्जाम क्रैक करने में, वो एक पहला एग्जाम होगा उसके बाद बस ये आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, दो बस दैट्स इट। एंड आफ्टर यू नो सेकेंड और थर्ड मंथ यू विल बी गेटिंग योर नॉर्मल सैलरी जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं हम सैलरी पार्ट में। सो गाइज, हियर इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ एक्सेंचर एम्प्लॉय ऑफ अ बीई बीटेक ग्रेजुएट हु जॉइन एक्सेंचर एज अ फ्रेशर। सो आप यहाँ देख सकते हैं जो इस एम्प्लॉय का बेसिक पे है वो है 15,000 रुपीज। नाउ HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंस इज 7,500, देन ADHOC अलाउंस इज 4,283 एंड अदर मिसलेनियस अलाउंस इज 3,333। द टोटल ग्रॉस अर्निंग ऑफ दिस एम्प्लॉय इज 30,116 रुपीज, ओके। सो ये होगी उनकी टोटल ग्रॉस अर्निंग। अब हम आते हैं डिडक्शन सेक्शन में। सो यहाँ पर दो डिडक्शन है, प्रोविडेंट फंड एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो ये दोनों का जो डिडक्शन हुआ है वो हुआ है 1800 एंड 200 का, एंड टोटल इज 2000। जो ग्रॉस डिडक्शन हुआ है वो है 2000 का। अगर हम ग्रॉस डिडक्शन माइनस ग्रॉस अर्निंग करेंगे तो वो होगी आपकी इन एक्सेंचर इन हैंड सैलरी जो एज अ फ्रेशर व्हेन यू विल बी जॉइनिंग एक्सेंचर एज अ फ्रेशर एज फ्रॉम अ बी और बी टेक ग्रेजुएट। तो द नेट पे ऑफ दिस एम्प्लॉय इज 28,116 रुपीज। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि जब आप एक्सेंचर में ज्वाइन करेंगे एज अ फ्रेशर थ्रू अ बीई और बीटेक कैंडिडेट आपको कितनी सैलरी मिलेगी इन हैंड एंड क्या पर्क्स एंड क्या बोनस होते हैं यू नो इन द वेरी स्टार्ट ऑफ योर यू नो ज्वाइनिंग। सो आई होप गाइज दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट एंड हैव हेल्प यू इन क्लियरिंग योर डाउट्स। स्टिल यू हैव सम अदर डाउट्स, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम ऑल। इवन आई विल पुट द माई टेलीग्राम
अकाउंट एंड इंस्टा लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी देयर एज वेल. सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी. एंड प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह मैं आप लोग के साथ बहुत सारी अलग अलग वीडियो शेयर करती रहूँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.